रख दो, मुझे बहुत टाइम बाद पता चला कि ऐसी भी कोई चीज़ आती है। दिस हाउ दिस बैग इज़ प्लास्टिक का बॉक्स, लुक एट दिस। हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निशिका और मैं लाइफस्टाइल और फैशन रिलेटेड व्लॉग्स लेके आती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा हैंडल है निशिका टमटा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज वीडियो। सो आज का जो वीडियो है वो मैंने कुछ अमेज़ॉन के प्रोडक्ट से रिलेटेड बनाया है। सो इसमें मैंने फैशन रिलेटेड भी प्रोडक्ट लिए हैं और कुछ एक्सेसरीज हैं और कुछ होम रिलेटेड प्रोडक्ट है जो डे टू डे यूज़ में आ सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम अमेज़ॉन। सो जो मेरा पहला प्रोडक्ट है वो है एक पर्स जो मैंने अमेज़ॉन से लिया था। सो ये बैग मैंने अमेज़ॉन से बहुत ही अच्छे प्राइस में लिया था। मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल थी कि ये कैसा आएगा और कैसी क्वालिटी में आएगा उस प्राइस में, बट ये बहुत ही अच्छा बैग आया है। सो दिस इज़ हाउ दिस बैग इज़, लुक एट दिस, इट्स सो क्यूट बैग। सो इस वाले बैग में इट्स लाइक अ इट्स अ वाइट कलर बैग और इसमें ऐसे गोल्डन कलर में चेन आता है एंड यहाँ पे इन्हें एक गोल्डन कलर का कुछ वर्क दिया हुआ है एंड दिस इज़ हाउ दिस ओपन्स यहाँ पे। सो इसमें ऐसे कंपार्टमेंट्स भी हैं। सो इट्स लाइक थ्री कंपार्टमेंट्स। बीच वाले कंपार्टमेंट में ये अगर आपको दिख रहा है तो बीच वाले कंपार्टमेंट में जिप है यहाँ पे और दो कंपार्टमेंट सिंपल हैं। सो देर आर थ्री कंपार्टमेंट्स इन दिस बैग और ये वाला बैग का जो टेक्सचर है इट्स लाइक अ वेरी सॉफ्ट मटीरियल, वेरी सॉफ्ट मटीरियल। और कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये बैग कहीं से डैमेज है या कुछ अच्छे से नहीं हुआ है। इट्स वेरी 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 परफेक्ट बैग। सो मैं इसको दो टाइप से यूज़ करती हूँ। सो इट्स लाइक अ शोल्डर बैग अभी। सो अगर आप इसको, इस चेन को आप पुल करेंगे सो देन इट बिकम्स अ स्लिंग बैग। सो आप इसको स्लिंग बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं एंड आप उसको शोल्डर बैग की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो इसका जो मैंने प्राइस पे किया था अमेज़ॉन में वो है 699। इसमें कलर्स भी थे, लाइक आई थिंक इसमें ब्लैक कलर भी है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं इस बैग को अमेज़ॉन में। मैंने अमेज़ॉन से एक और बैग लिया बिकॉज़ जो फर्स्ट बैग आया था वो बहुत ही अच्छा आया था उस प्राइस में, तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई एक और बैग। तो मैंने क्रीम कलर का एक बैग लिया है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो इसमें इस तरह से बहुत हैवी चेन है। इट्स लाइक मतलब क्वालिटी इज़ लाइक वेरी वेरी नाइस। ऐसे गोल्डन कलर का एक चेन है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ स्लिंग बैग ऐसे, और पीछे पे इट्स प्लेन और आगे पे इस तरह का इनने वर्क दिया हुआ है और यहाँ पे इसका जो है बटन है टू ओपन दिस बैग अप और दिस इज़ हाउ दिस बैग ओपन्स। इसमें जो है सिंगल कंपार्टमेंट है एंड दे हैव गिवन अ एक छोटू सा यहाँ पे कंपार्टमेंट दिया हुआ है जस्ट टू कीप योर वॉलेट और समथिंग। सो एक कंपार्टमेंट है एंड दिस इज़ हाउ दिस क्लोजेस। तो इस वाले बैग को भी आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये वाला एक स्लिंग बैग है, देन इफ़ यू पुल दिस चेन अप इट बिकम्स अ शोल्डर बैग। ये वाला जो बैग था ये मैंने लिया है 399 का। यस 399 का। सो 399 के हिसाब से ये बैग का जो क्वालिटी है इट्स वेरी वेरी नाइस और इसमें कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ ख़राब है, कुछ कभी कभी थ्रेड्स निकले होते हैं, कुछ अच्छे से स्टिच नहीं हुआ था, बट ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल बैग। सो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं अमेजोन में। इसमें शायद से दो तीन कलर हैं तो यू कैन चेक इट आउट। सो मेरा तीसरा प्रोडक्ट है एयररिंग्स जो मैंने अमेजोन से लिए थे। सो दिस इज़ हाउ दीज एयररिंग्स केम। इसमें एक और पैर था जो मैंने अभी पहना हुआ है। सो ये वाला पैर इसी का है। सो इसमें 1 2 3 4 5 6, यस इसमें 6 पेयर्स आए थे एयरिंग के। सो वन इज़ दिस गोल्डन वन, ये आजकल बहुत इन है तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसमें ये है एक और लूप वाले एयरिंग विच इज़ लाइक थोड़ा सा थिन इज़ कंपेरेटिव टू दिस वन
और एक ये वाला इयररिंग था जो मैंने अभी पहना हुआ है वाइट में, एंड फिर इसमें छोटे से इयररिंग टॉप्स दिए हुए हैं 3। सो दिस इज़ हाउ दिस इयररिंग लुक, और इसकी क्वालिटी इज़ लाइक वेरी वेरी गुड। ये मैंने इयररिंग लिया था 259 पे। सो ये वाला पेयर अमेजोन से ही मैंने लिया था 259 रुपीज़ में। मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक एक्सेसरी जो मैंने अमेजोन से लिया था। सो वो है ये एक ब्यूटीफुल सा सिल्वर सेट, सो नेकलेस का सेट है। सो दिस इज़ हाउ दिस नेकलेस लुक्स। इसमें बहुत अच्छे से एक डिटेलिंग दिया हुआ है और यहाँ पे इसमें वाइट कलर के मोती से हैं, सो यू कैन सी इट। सो ये वाला जो सेट है ये इस तरह से आता है। सो ये ब्लैक कलर का इसमें थ्रेड है टू टाइटन इट अप, और दिस इज़ हाउ दिस सेट लुक्स। लुक एट दिस, सो दिस लुक्स सो ब्यूटिफुल। सो ये वाला मैंने इंस्टाग्राम में एक टॉप के साथ पहना था, लाइक अ बोहो स्टाइल। सो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, लाइक लुक्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल। आप इसको अपने एथनिक के साथ भी पहन सकते हैं, आप इसको वेस्टर्न के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं, बिकॉज सिल्वर ज्वेलरीज गोज़ विथ एनीथिंग। और इसमें जो है दो एयरिंग्स आए हैं, दीज आर द एयरिंग्स, ये इस तरह के हैं। लुक हाउ ब्यूटिफुल दीज इयरिंग्स लुक, बहुत प्रिटी इयरिंग्स हैं ये दो। सो इसके साथ एक और चीज़ आया था, वो है ये ब्यूटिफुल सा नेक पीस। सो दिस इज़ ऑल्सो अ सिल्वर नेक पीस लॉन्ग में। दिस इज़ हाउ दिस लुक्स, ऐसे लंबे में आएगा। तो इन तीनों चीज़ का मैंने प्राइस, एयरिंग प्लस नेक पीस प्लस ये वाला, सो इसमें मैंने दिया था 379 का। सो इट्स लाइक अ कॉम्बो ऑफर था इसमें, तो मुझे 379 का ये पेयर मिला। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, इसमें और भी डिफरेंट डिज़ाइंस हैं सेम ब्रांड के, तो आप उसको चेक कर सकते हैं अमेज़ॉन में, माइट भी आपको ये पसंद आए। बट इसकी क्वालिटी इज़ रियली रियली नाइस, मतलब इस प्राइस में ये क्वालिटी इज़ रियली नाइस। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एक टॉप जो मैंने अमेज़ॉन से लिया था, वो है ये ब्यूटीफुल सा टॉप। सो ये कुछ जयपुरी प्रिंट में है, अगर ये दिख रहा है तो ये कुछ जयपुरी प्रिंट में है। तो मैंने इसमें पिंक कलर लिया है, इस वाले टॉप में रेड कलर था, आई थिंक कुछ येलो कलर भी था, आई एम नॉट रॉन्ग। तो और दो तीन कलर्स थे इस टॉप में, तो आप इसको देख सकते हैं अगर आपको कोई और कलर पसंद है तो, बट मुझे तो पिंक कलर चाहिए था तो मैंने ये पिंक कलर लिया है। सो इसमें एक तरह से पीछे से एक बेल्ट आता है और नीचे से इसमें इस तरह का एक फ्रिल है। सो दिस इज़ हाउ दिस फ्रिल इज़, और दिस कम्स विथ अ स्टेप वाला नेक। सो इसमें स्लीव स्टेप्स में हैं एंड इट इज़ अ कट स्लीव टॉप। तो ये वाला टॉप मैंने लिया था 699 में अमेज़ॉन में। सो इसका जो मटेरियल है दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ कॉटन मटेरियल। तो मैंने इसका पिक्चर इंस्टाग्राम में भी डाला हुआ है विथ दैट सिल्वर ज्वेलरी जो मैंने आपको दिखाया था इससे पहले। सो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, इस टॉप का डिटेल और ये कैसा लगता है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में इसको देख सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी एक हैंडी चीज़ है, मैंने ये पाउचेस लिए हैं, दीज आर मल्टीपर्पज़ पाउचेस। ये हैं 4 का पैक। सो ये मैंने लिया था 299 में। सो दिस इज़ हाउ दिस पाउच लुक्स। सो आप इसमें अपनी ट्रैवल एक्सेसरीज या कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं। सो बेसिकली मैंने तो ये इसलिए लिया हुआ है क्योंकि कभी भी हम लोग ऑफिस में जाते हैं तो एक पैड्स वगैरह रखने के लिए मुझे एक छोटा सा बैग चाहिए था, बिकॉज़ वो थोड़ा हैंडी हो जाता है रखने के लिए। इवन ये जो बैग है ये आप अपने पॉकेट में भी डाल सकते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी हैंडी बैग, ये मल्टीपर्पज़ बैग है। सो ये फर्स्ट डिज़ाइन है इस बैग का। सेकेंड डिज़ाइन इज़ दिस, पैक योर बैग्स एंड लेट्स गो। और तीसरा डिज़ाइन है दिस। सो इट कम्स लाइक इन वेरी गुड कलर्स। और फोर्थ डिज़ाइन इज़ दिस। सो इसमें मल्टी डिज़ाइंस हैं, सो आप अपने अकॉर्डिंगली अपना डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है होम से रिलेटेड। सो ये वाला है एक बॉक्स, एक प्लास्टिक का बॉक्स। मैं बहुत टाइम से एक फ्रिज का स्टोरेज ढूंढ रही थी जो वेजीज को फ्रेश रखे।
मैंने बहुत पहले भी एक दो बॉक्सेस ट्राई करे हैं, मैंने नेट वाले पाउचेस भी ट्राई करे हैं, मैंने प्लास्टिक वाले पाउचेस भी ट्राई करे, जिप्लॉक बैग्स भी ट्राई करे, बट किसी में भी वेजीज फ्रेश नहीं रहते हैं। बट जब मैंने ये बॉक्स लिया, पहले मैंने एक बॉक्स लिया था, लाइक दिस बॉक्स कम विद अ कॉम्बो, लाइक एक के साथ एक आता है तो दो सेट आते हैं। मैंने जब लिया था फर्स्ट टाइम तो मैंने इसमें एक्सपेरिमेंट किया, कुछ वेजीज रख के एक दो हफ्ता देखा कि ये कैसे वर्क करता है, ये वर्क करता भी है या नहीं करता है। जब मैंने इसमें देखा कि हाँ ये परफेक्टली वर्क कर रहा है मेरे रिक्वायरमेंट में, तो फिर मैंने इसके और भी प्रोडक्ट्स मंगाए। तो ये जो बॉक्स है ये इस तरीके से लिड में आता है, दिस इज़ हाउ दिस ओपन्स अप, और इसके नीचे पे ये आता है इस तरीके से दिया हुआ एक प्लास्टिक का। सो आप इसमें अपने कोई भी वेजीज रखें, बिल्कुल फ्रेश रहती है। एटलीस्ट मैंने तो देखा है लाइक कैरेट है या कैप्सिकम है, कोई भी वेजीज, इवन लेडी फिंगर मैंने वो भी ट्राई किया है, तो जो भी वेजीज हैं इसमें बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। एटलीस्ट 1 वीक तो मैंने देखा है कि बिल्कुल फ्रेश रहता है, मतलब कुछ भी नहीं होता उन वेजीज को। तो आप इसको आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और ये बॉक्स 1+1 में आता है, ये मैंने लिया था 299 में, और आप इसको चेक कर सकते हैं अमेज़ॉन में, 299 में ये बॉक्स लिया था, इसके साथ एक फ्री आता है। तो आप डेफिनेटली इसको चेक करिए, अगर ये आपको वर्क करता है तो प्लीज़ कमेंट करिए मेरे इस वीडियो में कि आपको ये बॉक्स कैसा लगा। और मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक टू डू लिस्ट का डायरी, जो मैंने अपने फ्रिज के लिए मंगाया, बिकॉज़ हमेशा मैं भूल जाती हूँ अपनी ग्रॉसरीज लेना। तो जब भी मेरे कुक मुझे बताता है कि अरे मैडम ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, तो मैं भूल जाती जब मैं लेने के लिए जाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक इस तरह की मिनी सी डायरी रखी जाए फ्रिज। ये फ्रिज मैग्नेट है एक्चुअली, सो दिस इज़ हाउ दिस मैग्नेट इज़। सो ये है ऐसा डायरी, और इसके साथ आता है पेन, सो पेंसिल है एक्चुअली, सॉरी। सो ये इसके आता है पेंसिल, सो इसमें भी मैग्नेट लगा हुआ है और पीछे इरेजर है। सो दिस इज़ हाउ दिस डायरी लुक्स। सो आपको अपने फ्रिज में ये डायरी लगाना है, और आप इसमें लिख सकते हो कुछ भी जो भी आपकी ग्रॉसरी लिस्ट है, सो दैट यू डोंट फर्गेट इट। सो मुझे ये बहुत हैंडी प्रोडक्ट लगा था, तो इसलिए मैंने अमेजोन से लिया। सो मेरा लास्ट प्रोडक्ट है एक बहुत ही सही प्रोडक्ट, जो मुझे बहुत टाइम बाद पता चला कि ऐसी भी कोई चीज़ आती है। सो ये मैंने एक्चुअली, मैं जब यूट्यूब में देख रही थी कुछ वीडियोस, तब मुझे दिखा था, तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखती हूँ कि कैसा है। सो ये है स्लिप्स, जो इस तरीके से आती हैं, सो इट्स लाइक ऐसा है ये स्लिप। सो ये स्लिप हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक अगर आपका नेक बहुत ब्रॉड है तो आपको स्पेगेटी पहनने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी मुझे यही प्रॉब्लम होता था, सो नेक ब्रॉड है तो स्पेगेटी पहनो, एंड देन समर्स में इट फील्स लाइक सो हॉट, तो इसलिए ये प्रोडक्ट आता है। सो इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको यहाँ पे अपने बी के स्ट्रैप में, ये जो स्ट्रैप दे रखा है ये बी के स्ट्रैप में जाएगा, एंड देन यहाँ पे बटन से अकॉर्डिंगली आपको 3 बटन्स दिए हुए हैं, सो यू कैन एडजस्ट कोई भी। सो ऐसे ये इस साइड से और इस साइड से ऐसे करके बी में लगेगा आपके, एंड देन इट गोज इनसाइड, तो इस तरीके से ये इनसाइड चला जाएगा। सो दिस इज हाउ दिस विल लुक, सो इस तरीके से ऐसा करके कुछ आएगा, तो आपका जो ब्रॉड नेक है वो छुप जाएगा। ट्राई करना चाहते हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें 3 कलर्स आते हैं, एक है ब्लैक, एक है क्रीम कलर, और एक है वाइट कलर। सो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। ये वाला प्रोडक्ट मैंने जस्ट अभी ही देखा था तो मैंने मंगा लिया, बट आप ट्राई कर सकते हैं अगर अगर आपको पता है तो, वेल एंड गुड, मुझे नहीं पता तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया था। सो आप ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। सो आज का वीडियो मैं आज यहीं पे एंड कर रही हूँ। सो बी सेफ, और टिल देन बाय।